हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्रेडिंग हुनर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के मार्केट स्कैनर वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आज कौन कौन से वो स्टॉक रहे हैं जो कि आज स्ट्रांग शेयर रहे हैं, कौन से वो शेयर रहे हैं जो कि कमजोर रहे हैं, वीक शेयर रहे हैं, किन शेयर्स में अब गैप अप ओपनिंग हुई है या कि गैप डाउन ओपनिंग हुई है। साथ में हम चर्चा करेंगे वोलेटाइल शेयर्स की और हम वो शेयर भी देखेंगे जो कि एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ में या तो ऊपर गए हैं या एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ में नीचे की ओर गए हैं। दोस्तों, हम आपको एक ऐसा स्टॉक भी आज बताएंगे जिसमें कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ये जो एनालिसिस है ये हमारा वॉल्यूम के आधार पर है, साथ में हमने उसका और भी टेक्निकल एनालिसिस किया है। इसके आधार पर हम आपको बताएंगे कि कौन सा वो शेयर है। प्लीज इस वीडियो को आप अंत तक देख लीजिएगा, आपको जरूर फायदा होगा। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको किसी भी तरह का होमवर्क करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको मार्केट से रिलेटेड सारी खबरें हो या टेक्निकल हो या फंडामेंटल हो, हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब हम देखते हैं ये वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं आज के बढ़ने वाले शेयर। जी हाँ, ये आज के बढ़ने वाले शेयर्स हैं। कौन कौन से शेयर्स हैं? रेडिंगटन 15.48, डीसीएम श्रीराम 14.74, एबी कैपिटल 10.53, ई क्लर्क्स 10.13, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस 9.31, फिनिक्स 8.55, HSCL 8.22, L&T हाउसिंग फाइनेंस 7.92, इन्फाटेल 7.82 और डिकाल 7.55% बढ़ के बंद हुए हैं। दोस्तों, इन 10 शेयर्स में कुछ एक खबर निकल के आ रही है। क्या खबर निकल के आ रही है? जी हाँ, एक शेयर में खबर निकल के आ रही है, रेडिंगटन इंडिया, जो कि आज का हमारा मार्केट का हीरो भी है। ये सबसे ज्यादा बढ़ने वाला शेयर है, इसमें सबसे ज्यादा आज वॉल्यूम भी हुआ है, लगभग 38 गुने से ज्यादा इसमें ट्रेडिंग हुई है और साथ में इसमें एक जबरदस्त इंट्राडे रिकवरी आई है। तो ये खबर है कि रेडिंगटन इंडिया के बोर्ड ने इंटरिम डिविडेंड किया है 1.5% का, इसलिए ये शेयर आज छलांग लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम ऐसा करते हैं कि एक बार सारे इन शेयर्स को कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेते हैं। इसमें हमने पिछले दिन की क्लोजिंग को 100 के बराबर बनाया हुआ है, यानी कि आप जो भी बार देख रहे हैं ये परसेंटेज टर्म्स में है। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं कि ये चार शेयर, रेडिंगटन, डीसीएम श्रीराम, एबी कैपिटल और ई क्लर्क्स, इनके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ। ये सभी एक बहुत अच्छे खासे वॉल्यूम, ये एक अच्छे खासे प्राइस के साथ में ऊपर की ओर गए हैं और हम एक बार इनका चार्ट भी देख लेते हैं और हम ये पता करते हैं कि इनमें से कौन से शेयर हैं जो कि हम आगे खरीदें या ना खरीदें। तो यहाँ पर रही बात रेडिंगटन की, एक अच्छा खासा मूव इसमें ऑलरेडी चल रहा था, एक अच्छा वॉल्यूम है, तो मेरे ख्याल से इस शेयर को हम अपने इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर कर सकते हैं। साथ में डीसीएम श्रीराम, जो कि एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में चल रहा था, इसमें एक काफी बढ़िया एक अप मूव आया है आज और इसके हिसाब से एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में भी आया है, तो शायद ये इसका टर्न अराउंड हो और यहाँ से इसकी तस्वीर बदल जाए, ये शेयर ऊपर की ओर जा सकता है। एक थोड़ा सा स्टॉप लॉस के आधार पर इसको हम बाय कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। डेफिनेटली ये 5 से 7% का रिटर्न दे देगा, शायद एक दो दिन में ही। अब हम देख लेते हैं एबी कैपिटल को। दोस्तों, ये पिछले 3 दिनों से बहुत तेजी के साथ में बढ़ रहा है, इसमें एक अच्छी खासी बढ़त देखी जा रही है 3 दिन से और ये आज काफी ज्यादा बढ़ गया है, तो हम इस शेयर को अभी बाइंग के लिए रिकमेंड नहीं करते हैं, इसको अवॉइड करना चाहिए। जहां तक रही ई क्लर्क्स की बात, ई क्लर्क्स आज फिर ये बढ़ा है, ये फ्राइडे का हमारा मार्केट का हीरो था और हमने ये रिकमेंड भी किया था कि इस शेयर को हमको खरीदना चाहिए, जैसा कि आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं। मैं अभी आपको उसका रेफरेंस दूंगा कि किस वीडियो में मैंने इसकी चर्चा की थी, वो आप वीडियो देख सकते हैं। तो आज इसमें फ्राइडे से भी ज्यादा वॉल्यूम हुआ है और एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ में ये बढ़ा है। अब हम देखते हैं कुछ खबरें आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, ये खबर आ रही है 52 वीक हाई की। रेडिंगटन और फिनिक्स लिमिटेड ने एक 52 वीक हाई बनाया है। तो रेडिंगटन का तो हम देख ही चुके हैं और ये रहा फिनिक्स, जिसमें कि थोड़ा सा नीचे खुला था 1% और उसके बाद में ये लगभग
13% 12% के करीब ऊपर गया और उसके बाद में लगभग 9% ऊपर जाकर के ये शेयर बंद हुआ है। अब हम देखते हैं आज के वो शेयर जिनमें की एक अच्छी खासी रिकवरी आई है नीचे से, वो ये वो शेयर हैं जिसमें की कंटिन्यूस बाइंग हुई है और मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने इसमें बाय किया है, यानी इसमें कॉन्फिडेंस शो किया है। तो वो कौन से शेयर हैं, इन शेयर्स में हम देखेंगे कि हमें कौन से शेयर्स को खरीदना चाहिए और कौन से शेयर्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। तो रेडिंगटन 16.25, IIFL 14.48, DCM Shriram 13.65, IDA 11.38, Indiabulls Housing Finance 11.26, AB Capital 10.48, HSCL 9.51, Phoenix 9.25, L&T Housing Finance 8.65 और E-Clux 8.48% की इनमें इंट्राडे रिकवरी आई है। दोस्तों यहां पर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेडिंगटन को हम बाय कर सकते हैं और एपी कैपिटल को फिलहाल हमें इसमें अवॉइड करना चाहिए, डीसीएम श्रीराम को भी हम ले सकते हैं, साथ में E-Clux अभी मुझे फिर से अच्छा लग रहा है। हालांकि आप देख सकते हैं हमारा ये वीडियो E-Clux का 22 नवंबर का, जो कि हमारा उस दिन का कैश मार्केट का हीरो था, और आज फिर इसने एक बढ़त दी है। इसलिए दोस्तों आप हमारे सारे वीडियोस को जरूर देखिएगा, खासकर NSE कैश मार्केट का हीरो आप जरूर देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होता है और इसमें हम चर्चा करते हैं कि कौन से शेयर्स को हमको बाय करना चाहिए और कौन से शेयर्स को हमको अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पर मैं एक कंपेरेटिव एनालिसिस दिखा रहा हूँ आपको रिकवरी फ्रॉम इंट्राडे लो का, यानी कि जिसकी चर्चा भी हमने की थी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं IIFL जो कि एक वक्त लगभग 17% के करीब नीचे गिर गया था और अंत में जाकर के इसमें 12% के करीब की रिकवरी आई थी। तो ये काफी ज्यादा इंट्राडे रिकवरी वाला शेयर है जो कि इसने एक निगेटिव से टर्न अराउंड हुआ और ये ऊपर की ओर गया, हालांकि 5% नीचे गिर करके ही बंद हुआ। ये एक वक्त ऐसा था कि इसमें एक खबर आई थी न्यूज़पेपर्स में और ऑनलाइन ये खबर भी आ गई थी कि IIFL फाइनेंस जो है वो लूजर्स को लीड कर रहा है, यानी ये सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर था, लेकिन बाद में इसमें एक अच्छी खासी रिकवरी आई जैसा कि आप देख रहे हैं। फिलहाल हमें इसमें अवॉइड करना चाहिए, हमें इसमें किसी तरह की बाइंग नहीं करनी चाहिए। बाइंग रेडिंगटन और श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस साथ में E-Clux में हम कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आज के वो शेयर की ओर जो कि आज के वीक शेयर है, यानी कि कमजोर शेयर्स हैं। कौन कौन से वो शेयर हैं कमजोर शेयर्स की ओर हम देखते हैं। गायत्री प्रोजेक्ट्स फिर से आज कमजोर हुआ लगातार तीसरे दिन। पिछले फ्राइडे को हमने देखा था इसने अपना 4 ईयर का लो बनाया था, आज 7.3% नीचे गिर के बंद हुआ। यूको बैंक 5%, IIFL 5%, कॉफी डे 4.9%, रिलायंस इंफ्रा 4.9%, नेटवर्क 18.2%, राइट्स 4.1%, जी लिमिटेड 4%, रेनुका 3.8% और सिम्फनी 3.3% नीचे गिर के बंद हुए हैं। ये वो कमजोर शेयर्स हैं दोस्तों। हम हमेशा अपने व्यूअर्स को सलाह देते हैं कि आप कभी भी गिरते हुए शेयर्स में इन्वेस्ट ना करें। रही बात कुछ खबरों की, तो मैं देख लेता हूं कि यहां पर कॉफी डे की बात है, तो कॉफी डे में ओयो और अपाक्स जो कि ब्रिटिश की एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है वो इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं कॉफी डे में, लेकिन जब तक की कोई फाइनल बिजनेस की बात नहीं होती तब तक हमको इसको अवॉइड करना चाहिए। अब रही बात, हम एक चर्चा और कर लेते हैं कि राइट्स लिमिटेड आज फिर गिरा है क्योंकि यहां पर जो ऑफर फॉर सेल गवर्नमेंट का चल रहा है कि गवर्नमेंट इसके कुछ शेयर्स को बेचना चाहती है, अपनी हिस्सेदारी को कम करना चाहती है, अपनी हिस्सेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें 10% से कम करना चाहती है, इसलिए ये आज फिर से गिरा है और पिछले 2 दिनों में ये लगभग 7% नीचे गिर चुका है। तो इस वजह से इस शेयर में कमजोरी रही है। अब हम देख लेते हैं इनका एक कंपेरेटिव एनालिसिस। कंपेरेटिव एनालिसिस में जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप देख सकते हैं कि कॉफी डे एक अच्छे खासे ऊपर में खुला था क्योंकि इसमें खबर थी कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट आने वाला है ओयो और अजैक्स का, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट की खबर चूंकि पक्की नहीं हुई है इस वजह से ये नीचे की ओर गया है और इसमें एक कंटिन्यूस सेलिंग देखी गई है। हम ऐसा करते हैं कि एक बार ये अपने फॉलिंग शेयर देख लेते हैं, यानी कि वो शेयर जो कि ऊपर से नीचे की ओर आए हैं। तो ये रहे वो ऊपर से नीचे आने वाले शेयर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कॉफी डे 9.4% ऊपर से नीचे गिरा है, IDBI 8.29% ऊपर से गिरा है, नेटवर्क 18.8%, रेणुका 7.77, अशोका बिल्कुल 7.5
टू, गायत्री प्रोजेक्ट 6.30, IFL 5.90, SLPAC 5.62, DHFL 5.36 और रिलायंस इन्फ्रा 4.87 अपने ऊपरी स्तर से नीचे गिरे हैं, यानी कि इनमें इतनी कमजोरी आई है कि ऊपर स्तर से और ये क्लोज के रेट हैं। तो ये रहे कमजोर होने वाले शेयर। रही बात बस अशोका बिल्ड कौन की, इसमें IFL के जस्ट विपरीत हुआ था। आज क्या हुआ कि इसमें अशोका बिल्ड कौन में खबर आई कि इसकी सब्सिडी ने लगभग 1000 करोड़ का NHAI का प्रोजेक्ट मिल गया है इसको, इस वजह से ये करीब 12% ऊपर चला गया था। इसके बाद में हुआ क्या है, आप खुद देख सकते हैं कि ये गिर गया है और ये फॉलिंग वाले शेयर में शामिल हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कंपेरेटिव एनालिसिस में, यहाँ पर आप देखिएगा अशोका बिल्डकॉन किस तरह से ऊपर से नीचे की ओर आया है, और यहाँ पर आप इसका चार्ट भी देख सकते हैं जो कि एक अच्छे खासे ऊपर की ओर खुला, लेकिन उसके बाद में ये एक अच्छी खबर थी और इसमें एक अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ में ये नीचे की ओर गिरा है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि अगर इसमें खबर अच्छी है और इसका जो प्राइस लेवल यदि आप देखेंगे तो इस शेयर में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा हम एक्युमुलेट इसमें कर सकते हैं यदि आप एक अच्छे इन्वेस्टर हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर जो कि है गैप अप शेयर, यानी कि वो शेयर जो कि ऊपर बढ़कर के आज खुले हैं और उसके बाद में उनका क्या हुआ है। तो हम देख रहे हैं अशोका, जिसकी मैंने अभी भी बात की है। देखिए अशोका लगभग 11.5% ऊपर खुला है और नीचे 7.99% नीचे ये अपने ऊपरी स्तर से गिरा है और डे क्लोज लगभग इसका 3.959% हुआ है। तो इस तरह से जो गैप अप वाले शेयर हैं वो अशोका 11% से भी ज्यादा, DHFL 4.95%, कॉफी डे 4.94, कॉफी डे का भी मैंने आपको बताया था कि कुछ खबरें थी इसकी वजह से ये ऊपर खुला, लेकिन उसके बाद में ये 5% नीचे गिरा, यानी कि इसमें टोटल जो कमजोरी आई है वो 10% की कमजोरी आई है। तो ये वो सारे गिरने वाले शेयर्स हैं। बेहतर होगा कि हम इनको एक कंपेरेटिव एनालिसिस में देख लेते हैं। तो आइए हम देखते हैं इनको एक कंपेरेटिव एनालिसिस में। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अशोका बिल्डकॉन जो कि एक ऊपर से गिरने वाले शेयर्स में शामिल है, जिसकी हम ऑलरेडी चर्चा कर ही रहे हैं। साथ में आप कॉफी डे को भी देख सकते हैं, IDBI में प्रॉफिट बुकिंग चली रही है। तो ये वो शेयर हैं जो कि ऊपर से गिरने वाले शेयर हैं। तो दोस्तों जनरली मैंने अशोका के बारे में बताया जिसको कि एक अच्छी खबर है, इसको हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कॉफी डे में फिलहाल हमको इस पर नजर बना के रखनी चाहिए। ये शेयर भी एक इन्वेस्टमेंट वाला शेयर हो रहा है, लेकिन अभी इसमें बहुत ज्यादा उथल पुथल चल रही है, तो प्लीज इसको थोड़ा सा वॉच करें और जैसे ही समय आएगा हम आपको जरूर बताएंगे कि कॉफी डे में आपको कब इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सके। अब हम चलते हैं आज के वो शेयर जो कि गैप डाउन शेयर है, यानी कि अपने पिछले क्लोजिंग से नीचे की ओर खुले थे। जनरली गैप डाउन शेयर वो होते हैं जिनमें कि किसी तरह की कोई खराब खबर होती है, नेगेटिव खबर होती है, मार्केट सेंटीमेंट खराब होता है उन शेयर्स के प्रति, तो वो शेयर नीचे की ओर खुलते हैं। लेकिन देखना है हमको कि क्या वो शेयर बड़े हैं और उनमें क्या हुआ है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं गायत्री प्रोजेक्ट ऑलरेडी 5.6% नीचे की ओर गिरा था, क्योंकि इसने पिछला चार वर्ष का लो बनाया था। तो आज ये फिर से नीचे खुला है, लगभग 5.6% नीचे खुला था और उसके बाद में इसमें और भी ज्यादा कमजोरी आई। इसी तरह से रिलायंस कैपिटल में, आज रिलायंस कैपिटल में एक खबर आई थी कि जो क्रेडिटर्स हैं, लेंडर्स हैं, वो अनिल अंबानी का रेजिग्नेशन मानने को तैयार नहीं है, इस वजह से यह आज शेयर फिर से गिरा। रिलायंस इंफ्रा में भी कमोबेश वही बात है और आइडिया फिर से ये एक हमेशा वोलेटाइल शेयर रहा है तो ये आज फिर नीचे खुला है। VST इंडिया जिसमें कि दमानी जी ने स्टेक लिया था, आज इसमें प्रॉफिट बुकिंग थी और ये नीचे की ओर खुला था। इसी तरह से राइट्स का मैंने आपको बताया कि क्यों राइट्स में OFS की वजह से सरकार अपना 10% हिस्सा बेचना चाह रही है OFS के थ्रू, इस वजह से इसमें कमजोरी थी और ये 2.5% नीचे खुला था। तो बाकी भी शेयर हैं जो 2-2, 1-1% नीचे की ओर खुले थे और इनमें हुआ क्या है वो अब हम देखते हैं। इनका एक कंपेरेटिव एनालिसिस यदि आप देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि गायत्री किस तरह से नीचे की ओर खुला और फिर और भी ज्यादा नीचे गया। वहीं पर आपको जैसा कि आप देख रहे हैं राइट्स भी दिख रहा है और भी शेयर यहाँ पे आप दिख रहे हैं जो कि एक इनमें कमजोरी रही है, लेकिन गायत्री प्रोजेक्ट आज इसने फिर से अपने इन्वेस्टर्स को निराश किया और 4 साल से भी नीचे स्तर पर ये चला गया है शेयर। दोस्तों अब हम बात करेंगे आज के वो शेयर की,
वोलेटाइल शेयर की। जी हाँ, वोलेटाइल वो शेयर होते हैं जिसमें कि अपने ऊपरी स्तर और निचले स्तर यानी कि डे हाई और डे लो में बहुत ज्यादा अंतर होता है। तो जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, IIFL में लगभग 22% का अंतर अपने हाई और लो का, इसी तरह से रेडिंगटन में लगभग 20% का, DCM श्रीराम 16.48, इंडिया हाउसिंग फाइनेंस 4.07, आइडिया 13.82, ई क्लर्क्स 13.73, एबी कैपिटल 13.67, HSCL 12.92, फिनिक्स लिमिटेड 12.25 और IDBI 10.66% का इसमें अपने निचले और ऊपरी स्तर में अंतर है। लेकिन हमको ये देखना है कि वास्तव में वोलेटाइल कौन है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, वोलेटाइल का मतलब होता है कि ऊपर और निचले स्तर में कितना ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि IIFL बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल शेयर रहा है। साथ ही आपको IDBI है, इसमें भी एक वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा देखी गई है। लेकिन जहां तक जो ये ब्लू टिक वाले शेयर्स हैं, ये एक तरफ की ओर बढ़े हैं और इनमें चूंकि ये एक तरफ की ओर गए हैं तो ये एक पॉजिटिव वॉलेटिलिटी है, जो कि एक अच्छी चीज है और इन शेयर्स में कुछ शेयर्स को हम बाय कर सकते हैं। तो हमको IIFL में फिलहाल अवॉइड करना है। अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, हमारे फाइनल सेगमेंट की ओर। ये है हमारा वॉल्यूम शेयर्स, यानी कि वो शेयर जिनमें कि एक यहाँ पर हम आपको दो तरह से इस चीज को समझाएंगे। वो शेयर बताएंगे जो कि एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में जिनमें प्राइस भी इंक्रीज हुआ है, और वो शेयर बताएंगे जिनमें कि वॉल्यूम के साथ में प्राइस कम हुआ है। दोस्तों, यदि वॉल्यूम के साथ में प्राइस बढ़ता है, जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो ये एक अच्छा साइन होता है हमको। इसमें से यहाँ पर आप देख रहे हैं रेडिंगटन, जिसमें कि 38 times ट्रेडिंग ज्यादा हुई है अपने पिछले दिन की अपेक्षा। इसी तरह से डीसीएम श्रीराम 34 times ट्रेडिंग ज्यादा हुई है, चैलेट 30 times, ब्लू डार्ट 30 times, डीबी कॉप 21 times, DHFL 11 times, अतुल 11 times, IIFL लगभग 7 गुना, TII इंडिया लगभग 6.5 गुना और PGHH लगभग 6.25 गुना इसमें ट्रेडिंग ज्यादा हुई है। लेकिन दोस्तों, हमको वो शेयर देखना चाहिए जो कि ऊपर की ओर जा रहे हैं, जिनमें कि ऊपर पॉजिटिव जिनका सेंटीमेंट बना हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो कौन सा शेयर है जिनमें कि हमको बाय करना चाहिए, और मैंने जो टेक्निकल एनालिसिस किया उसके हिसाब से हमारा जो शेयर बन रहा है आज का, वो है PNG हेल्थ केयर। तो ये PGHH का शेयर है जिसको कि अगर आप बाय कर सकते हैं इस लेवल पर या एक्यूमुलेट कर सकते हैं, तो ये आपको एक अच्छा रिटर्न देगा। हम एक बार इसका चार्ट भी देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं जो कि काफी ज्यादा नीचे आ चुका है और इसमें एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छा खासा अप मूव इस शेयर में आ सकता है। तो ये रही हमारे आज के वॉल्यूम और साथ में प्राइस बढ़ने वाले शेयर्स की बात। अब हम देखते हैं अपने वो शेयर जिनमें कि वॉल्यूम बहुत ज्यादा रहा है लेकिन जिनमें कि प्राइसेस कम हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं चैलेट टोटल्स 30 times, ब्लू डार्ट 30 times, डीबी कॉप लगभग 22 गुना, DHFL लगभग 12 गुना, अतुल लगभग 12 गुना, IIFL लगभग 6 गुना, GSCL। तो ये वो शेयर हैं जो कि नीचे गए हैं लेकिन इनमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम है। तो दोस्तों, फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमको इन शेयर्स को अवॉइड करना चाहिए। तो ये रहा हमारा आज का मार्केट स्कैनर। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आपने जो समय इस वीडियो को देखने के लिए दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इंतजार कीजिए हमारे अगले वीडियो का।